दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सब देश देख रहा है। मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता। प्राणों से प्यारा तिरंगा का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवराज ने सवर्ण आयोग के गठन के ऐलान को लेकर कहा कि भाजपा की सरकार समाज की सभी वर्गों की सरकार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और जांच की मांग की है। सीएम शिवराज ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आयोग है, पिछड़ा वर्ग का आयोग है। सामान्य वर्ग के कमजोर परिवारों के लिए सामान्य सवर्ण आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सामान्य वर्ग के भाई बहनों की समस्या का समाधान होगा। 10% आरक्षण मिल रहा है और भी कई कदम उठाने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई और बहनों के लिए आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है। लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए हमने तय किया कि सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस पर जो हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान कहा था कि खून की खेती हो रही थी। क्या यही खून की खेती हो रही थी? यह सब कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं तथा कथित वामपंथियों ने जो देश को दिखाने और बदनाम करने का प्रयास किया, इसमें राहुल गांधी की भूमिका क्या थी? मैं तो मांग कर लूंगा कि इसकी जांच होना चाहिए। 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली में खून खराबा करने का जो प्रयास किया गया, मैं मांग करूंगा कि इसकी जांच होना चाहिए। राहुल गांधी की क्या भूमिका थी? उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस की सराहना की जानी चाहिए। जो कांग्रेस के नेता और वामपंथी देश का वातावरण बिगाड़ना चाहते थे, उसको बड़े सूझबूझ के साथ दिल्ली पुलिस ने संभाला। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जिस प्रकार से देश के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर तथा कथित आंदोलन के नाम पर जो हुआ देश के अंदर, दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा था आंदोलन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये खून की खेती हो रही है। तो क्या यही खून की खेती हो रही थी? ये सब कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने तथा कथित वामपंथियों ने जो देश के अंदर किया, दुनिया को दिखाने का प्रयास किया, भारत को बदनाम करने का प्रयास किया, ये राहुल गांधी की भूमिका इसके अंदर क्या थी? मैं तो मांग करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जिन्होंने कहा था ये खून की खेती हो रही है, तो क्या आज के दिन के लिए जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो खून खराबा दिल्ली के अंदर करने का प्रयास किया, इसके बारे में राहुल गांधी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। और मैं दिल्ली पुलिस को बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सूझबूझ के साथ जो कांग्रेस के नेता और वामपंथी देश का वातावरण बिगाड़ना चाहते थे, उस वातावरण को बचाने का काम दिल्ली की पुलिस ने किया। इसलिए उनकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। जिस प्रकार से देश के अंदर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे का अपमान हुआ, ऐसे तिरंगे के अपमान को देश के अंदर कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। संपूर्ण देश इसका जवाब, ऐसे लोग जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है उनको, पूरा भारत इसका जवाब उनको देगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।